हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है आकाश। और मेरा नाम है राज। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बॉलीवुड वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री पार्ट 8। और ये वीडियो है पाकीज़ा के तरफ से। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो कभी भी रिएक्ट करते वक्त, मतलब छापा फैक्ट्री वाले वीडियोस रिएक्ट करते वक्त, हमेशा थोड़ा सा दुख होता है अंदर ही अंदर कि अभी पूरा खराब लगता है यार देख के कि कितना बेशर्मी से कॉपी करता है कभी कभी बॉलीवुड। क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं अभी। रेडी? देखते हैं। साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो कफाए है, मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला रब्बा। चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ू ना तेरा। ये पाकिस्तानी एक्टर है, मतलब पाकिस्तानी मूवी का एग्जैक्ट सेम लिरिक्स, कुछ चेंज नहीं किया, खाली तरीका चेंज किया बात बोलने का। हाँ ना। चेहरा जिस पे हम मरते हैं, तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत सुनाई तो अलग दे रहा थोड़ा सा। हाँ। अलग है शायद थोड़ा सा। मुझसे ये दिल कह रहा है, कसम से बड़े बे मुरवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। यू नो टेम्पो सेम द कॉपी जो कॉपी नहीं बन कॉपी था, मतलब उससे वो ट्यून को कॉपी बन। ये शायद से साजन पिक्चर था। हाँ साजन पिक्चर, वो जो कल मैं तुझे सॉन्ग सुना रहा था जिए तो जिए, वो ये मूवी था। ऑब्वियसली यार सेम है, ये 1978 का बना था, ये 1978। क्यों थोड़ा तो चेंज करना चाहिए यार, क्यों कॉपी करते हैं सर यार। छापा ओरिजिनल प्यासा, कुएं के पास आता है मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा, अरे मैं अपना दिल लेके तेरे पास आया हूँ, आगे तेरी मर्जी। एक बार तो मुंह छुपाना ही पड़ता है ऐसे वीडियोस में। इंग्लिश बाबू देसी में, इंग्लिश बाबू देसी में ऐसा ही सब नाम। ऐसे वीडियोस हम लोग के लिए बम से कम नहीं है। पता चलता है कि कितने कितने बड़े सॉन्ग्स जो हम लोग क्लासिक समझते हैं वो भी एक्चुअली कॉपी किया हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। लेकिन लास्ट टाइम बहुत सारे लोग कमेंट्स में हमें दिलासा दे रहे थे कि कोई बात नहीं, इंडियंस गाने में कॉपी करता है, हम लोग कुछ कुछ चीज़ों में बाकी चीज़ों में कॉपी करता है, तो दोनों एक दूसरे की कॉपी करते हैं तो थोड़ा दिलासा दे रहे थे, ख़राब मत फील करो इतना ज़्यादा। लेकिन फिर भी टफ होता है यार ये देखना, एकदम ऐसा प्रूफ दिखाई देता है, लेफ्ट में दिखाई देता है छापा और ओरिजिनल, फिर दिखा देता है बैक टू बैक और पता चल जाता है कि कितने बेशर्मी से कॉपी। कितना मतलब मुझे यार अच्छा नहीं लगा यार, मतलब ठीक है कोई बात नहीं अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन तू इमेजिन कर, तूने कुछ एक बनाया, एक गाना तूने खुद बनाया, या तू चल तू शायरी लिखता है, शेर बनाया तूने, किसी और ने
तेरा शेर लिया एग्जैक्ट सेम छापा और उसके बाद वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑडियंस है. देखो कैसा लगेगा. मुझे तो बहुत बुरा लगेगा. एटलीस्ट थोड़ा चेंज किया रहता तो बात अलग और लीक के फेमस हो जाए तो थोड़ी अच्छा लगता है. मतलब तो वही वैसे ही टाइप का. एटलीस्ट क्रेडिट देना चाहिए ऐसे सॉन्ग्स में. ऐसा हमेशा लिख के आना चाहिए. पहले भी कहा था क्रेडिट देना चाहिए. हाँ क्रेडिट देगा तो फिर ऐसा अच्छा लगता है ना कि ओरिजिनल वर्क उसका था लेकिन उससे इंस्पायर्ड ये वर्क है. जो भी हो ओरिजिनल कंटेंट को हमेशा क्रेडिट देना चाहिए. हम लोग भी दे रहे हैं. ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में. मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.